दोस्तों आज 12 मार्च सुबह 10 बजे मिस्टर मीट का वीडियो आ रही है, वो भी एक न्यू चैनल में जिसका नाम गुप्ता जी हॉरर फिल्म है। तो किसने अभी तक न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है हमें कमेंट में बताओ। दोस्तों हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि गुप्ता जी और मिश्रा जी को बचाने के लिए बाबा जेसीबी से चूचू चार्ल्स पर वार करते हैं, लेकिन चूचू चार्ल्स उसे उठाकर पटक देता है। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी चूचू चार्ल्स से बचने के लिए सुरंग को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। तभी बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को ट्रेन में बैठा कर आगे जाने लगते हैं। आखिरी अंडा के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी जब सुरंग के अंदर जाते हैं तो चार्ल्स का साथी सुरंग को बाहर से बंद कर देता है। और तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि सुरंग के अंदर चूचू चार्ल्स है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। चूचू चार्ल्स को अपने आगे देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि वह दोनों सुरंग में फंस गए थे। मिश्रा जी हमें यहाँ से वापस भागना पड़ेगा, पर हमें लास्ट अंडा भी कलेक्ट करना है। चूचू चार्ल्स धीरे धीरे गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास आ रहा होता है, इसलिए गुप्ता जी और मिश्रा जी भी धीरे धीरे पीछे जा रहे थे। गुप्ता जी अब क्या करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिश्रा जी हमें अंडा को लेकर यहाँ से निकलना है, इसलिए जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा तुम करो। ठीक है गुप्ता जी, जल्दी से बोलिए। मिश्रा जी चूचू चार्ल्स एक समय में दो जगह नहीं जा सकता है, इसलिए हम दोनों अलग अलग जगह जाएंगे। आप कहना क्या चाह रहे हैं गुप्ता जी? मिश्रा जी तुम बस पीछे से निकलो, तब तक मैं अंडा लेकर आता हूँ। अंडा लाने के लिए गुप्ता जी अपने मिसाइल से चूचू चार्ल्स पर हमला करते हैं, लेकिन चूचू चार्ल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिश्रा जी एक साथ चूचू चार्ल्स पर हमला करो। गुप्ता जी के बोलने पर दोनों एक साथ चूचू चार्ल्स पर हमला करते हैं, जिसके बाद चूचू चार्ल्स थोड़ा पीछे होता है। मिश्रा जी फिर से हमला करो। गुप्ता जी और मिश्रा जी लगातार दो तीन बार चूचू चार्ल्स पर हमला करते हैं, जिसके बाद चूचू चार्ल्स थोड़ा और पीछे हटता है। तभी मौका मिलते ही गुप्ता जी दूसरी ओर चले जाते हैं। मिश्रा जी मैं अंडा को लेकर आता हूँ, तुम यहाँ से निकलो। गुप्ता जी को रोकने के लिए चूचू चार्ल्स गुप्ता जी की तरफ जाने लगता है। ये क्या, आगे का रास्ता तो बंद है, मुझे इसे तोड़ना होगा। बंद रास्ता को तोड़ने के लिए गुप्ता जी मिसाइल से हमला करते हैं, जिसके बाद वो रास्ता खुल जाता है और गुप्ता जी तुरंत अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जाते ही गुप्ता जी को अंडा दिखाई पड़ता है। अरे वह तीसरा अंडा भी मिल गया, चलो इसे भी कलेक्ट कर लेते हैं। गुप्ता जी अंडा को कलेक्ट तो कर लेते हैं, पर आगे अब जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। और दूसरी तरफ चूचू चार्ल्स होता है, जो बहुत ही गुस्से में गुप्ता जी को देख रहा था। ओ नो, मैं तो फंस गया, लगता है चूचू चार्ल्स से अब मैं बच नहीं पाऊंगा। गुप्ता जी को मारने के लिए चूचू चार्ल्स आगे बढ़ता है और गुप्ता जी धीरे धीरे पीछे हटते हैं। चूचू चार्ल्स तेजी से गुप्ता जी पर हमला करता है, जिससे गुप्ता जी नीचे गिर जाते हैं। गुप्ता जी के नीचे गिरते ही चूचू चार्ल्स बहुत खुश होता है और उन्हें मारने के लिए अपने आगे का पैर ऊपर उठाता है, लेकिन तभी कोई मिसाइल से चूचू चार्ल्स पर हमला करता है। गुप्ता जी निकलो यहाँ से, नहीं तो चूचू चार्ल्स किसी को छोड़ेगा नहीं। गुप्ता जी की मदद करने बाबा और मिश्रा जी आ जाते हैं और सभी जल्दी से सुरंग से बाहर आ जाते हैं। बाबा यहाँ से जाने से पहले चूचू चार्ल्स को यहीं कैद कर देते हैं, ताकि वह हमारा पीछा ना कर सके। गुप्ता जी का बात बाबा समझ जाते हैं, इसलिए सभी सुरंग से थोड़ा दूर होते हैं और एक साथ सुरंग पर निशाना लगाते हैं। बाबा जल्दी से आज्ञा दें, चूचू चार्ल्स इधर ही आ रहा है। बाबा का आज्ञा मिलते ही सभी एक साथ कई बार मिसाइल से सुरंग पर हमला करते हैं। लगातार मिसाइल के वार से सुरंग टूट जाता है और चूचू चार्ल्स वहीं दब जाता है। अरे वाह, अब चूचू चार्ल्स हमारा पीछा नहीं कर पाएगा और हम सभी आसानी से तीनों अंडा को नष्ट कर सकेंगे। मिश्रा जी पर अंडा को कैसे नष्ट करेंगे? गुप्ता जी ये भी कोई पूछने वाली बात है, हम सभी अंडे को एक जगह रखेंगे और मिसाइल से उसे फोड़ देंगे। अरे मिश्रा जी ये चूचू चार्ल्स का अंडा है, जो बहुत ही शक्तिशाली है, मुझे लगता है इसे मिसाइल से नष्ट नहीं किया जा सकता है, आपको क्या लगता है बाबा? गुप्ता जी मेरा भी यही मानना है कि ये अंडा में जो शक्ति है वो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हमें इसे ऐसे कहीं भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो बाबा अब क्या करें और कैसे पता करें कि अंडा को नष्ट कहाँ करना है? गुप्ता जी और बाबा बात कर ही रहे थे, तभी बूढ़ा आदमी की आत्मा वहाँ आती है। बाबा
आप लोगों ने तीनों अंडा कलेक्ट कर लिया है और अब उसे नष्ट करने का समय आ गया है। शमशेर सिंह, तीनों अंडा को कहाँ और कैसे नष्ट करना है हमें बताओ। बाबा, यहाँ से 200 मीटर दूर एक टेंपल है, वहाँ आपको जाना है और तीनों अंडा रखना है। तीनों अंडा रखते ही वह नष्ट हो जाएगा और हमारा गांव चूचू चाल से आजाद हो जाएगा। बूढ़ा व्यक्ति अंडा को नष्ट करने का तरीका बताकर वहां से गायब हो जाता है। चलिए गुप्ता जी और बाबा, इस मुसीबत का अंत किया जाए। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा टेंपल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर चूचू चाल सुरंग में दबा हुआ होता है और वह वहां से निकलने की कोशिश करता है। 200 मीटर चलने के बाद सभी को एक टेंपल दिखाई पड़ता है। अरे वाह, टेंपल तो मिल गया है, अब बस अंडा को उसके अंदर रखना है और फिर सब सही हो जाएगा। मिश्रा जी, चार्ल्स का साथी आगे खड़ा है, उसे मारकर रास्ता क्लियर करो। मिश्रा जी अपने मिसाइल से चार्ल्स के साथी को मार डालता है और सभी टेंपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। उधर चूचू चार्ल्स अपनी पूरी ताकत लगाकर सुरंग से अपने आप को बाहर निकाल लेता है। सुरंग से बाहर आते ही चूचू चार्ल्स तेजी से कहीं जाने लगता है। उधर गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा अंडा को लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। गुप्ता जी, मुझे लगता है तीनों अंडा को यहीं रखना है। हाँ मिश्रा जी, मुझे भी यही लगता है। रुको, मेरे पास दो अंडा है, पहले उसे रखता हूँ, फिर अंतिम वाला तुम रखना। गुप्ता जी अपने पैकेट से एक एक करके दो अंडा निकाल कर रख देते हैं। मिश्रा जी, अब तुम अंडा निकालो और यहाँ उसे रख दो। गुप्ता जी की बात मानते हुए मिश्रा जी जैसे ही अंडा बाहर निकालता है, तभी वहाँ चार्ल्स और उसके साथी वहाँ आ जाते हैं। रुक जाओ, तुम सब ऐसा मत करो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। चार्ल्स की बात सुनकर गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा उसकी तरफ देखते हैं। चार्ल्स और उसके साथी को देखकर गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा समझ जाते हैं कि ये चार्ल्स कंपनी का मालिक है। चार्ल्स, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने तो पहले से ही यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मुझे माफ कर दो, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, बस तुम आखिरी अंडा वहाँ नहीं रखना। चार्ल्स की बात गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा नहीं मानते हैं और वह आखिरी अंडा भी वहाँ रख देते हैं। आखिरी अंडा रखते ही वहाँ हलचल तेज हो जाती है और एक एनर्जी अंडा से निकलती है। नो 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 नो, भागो। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा देखते हैं कि चार्ल्स और उसका साथी वहाँ से भागने लगा है। गुप्ता जी, जरा ऊपर तो देखिए, चूचू चार्ल्स फिर से आ गया है। गुप्ता जी और बाबा ऊपर देखते हैं कि चूचू चार्ल्स अंडा से निकलने वाली एनर्जी को अपने अंदर समा रहा है। बाबा, ये क्या, चूचू चार्ल्स तो अंडा से निकलने वाली एनर्जी को अपने अंदर समा रहा है। बाबा ध्यान से चूचू चार्ल्स को देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि चूचू चार्ल्स अब पहले से काफी शक्तिशाली बन रहा है, इसलिए सभी को वहां से भागने को कहते हैं। बाबा की बात मानते हुए सभी लोग वहां से भागते हैं। चूचू चार्ल्स अंडा की पूरी शक्ति अपने अंदर समाने के बाद वह नीचे आता है। नीचे आते ही चूचू चार्ल्स अपनी शक्ति का एक नमूना दिखाता है, जिसमें वह मंदिर को तोड़कर बाहर आता है और पूरा गुस्सा से चिल्लाता है। तो दोस्तों, अब क्या होने वाला है? क्या चूचू चार्ल्स किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आज सुबह 10 बजे मिस्टर मीट हॉरर फिल्म देखना ना भूले, गुप्ता जी हॉरर फिल्म में।